टीचिंग के, जिनसे आप जुड़ सकते हैं और इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दे सकते हैं, ताकि आप लोगों के सामने ऐसे ही रेगुलर अपडेशन के साथ वीडियोस आती रहें। सो चलिए आज चलते हैं हम अपने नए कंटेंट की ओर, और आज का जो कंटेंट है वो है हमारा पार्ट टू, लास्ट थ्री मंथ्स रिमेनिंग करंट अफेयर्स। यानी कि पार्ट वन मैं ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ, जब हमारी एलटी ग्रेड यूपी टीचर्स की वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन आया था उसके कुछ दिनों बाद ही मैंने आप लोगों के सामने पार्ट वन शो किया था, जिसमें मैंने करंट अफेयर्स शो किए थे हमारे लास्ट थ्री मंथ्स के। अब जो हमारे लास्ट थ्री मंथ्स के करंट अफेयर्स यानी कि 24 अप्रैल तक यहाँ पर मैंने कवर किए हैं सारे करंट अफेयर्स, तो वो आप लोगों के एलटी ग्रेड के साथ साथ DSSSB, MCD, KVS राजस्थान, जो भी हमारी पेंडिंग में वैकेंसीज चल रही है उनकी प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रशंसित संगीतकार और ऑस्कर नामांकित संगीतकार जोहानसन का 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वे किस देश से संबंधित थे? तो वो थे हमारे आइसलैंड से, यानी कि आइसलैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में मुंबई में ब्लाइंड के लिए राष्ट्रीय ए शतरंज चैंपियनशिप का 13वां संस्करण जीता है, तो वो है हमारे किशन गंगोली। किशन गंगोली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ईरानी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में द्विपक्षीय बातचीत की, ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति है हमारे हसन रोहानी। वैसे आप लोगों ने देखा होगा इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन पूछा होता तो डायरेक्ट हम ये भी पूछ सकते हैं इस चीज में कि ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, बट यहाँ पर आपको कुछ चीजें डिटेल में बतानी होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रिवाइज रखना है कि ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति के साथ साथ जो दो लाइनें ऊपर की दे रखी हैं उसमें आपको क्या बताया गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे न्यू क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2018 में 2018 शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा हमारा चीन। चीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेहरान की राजधानी बतानी है, तो तेहरान की राजधानी है हमारी ईरान। ईरान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एवं टेलीविजन आर्ट्स यानी कि BAFTA पुरस्कार 2018 हाल ही में लंदन ब्रिटेन में आयोजित किए गए थे, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में घोषित किया गया था? तो वो फिल्म है हमारी डी, यानी कि D1 इज द करेक्ट आंसर, 3 Billiards आउटसाइड एविंग मैसूरी। तो ये हमारी फिल्म थी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में नाम लिया गया था और उसे अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 5 जून 2018 को वैश्विक विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन करेगा? तो हमेशा की तरह वो है हमारा भारत यानी कि इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले आगा खान 11 दिवसीय भारत यात्रा पर थे, तो वो क्या थे? तो वो थे हमारे आध्यात्मिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने राज्य विधानसभा में 2018-19 के लिए कितनी राशि का बजट प्रस्तुत किया था, जिसमें चालू वित्त वर्ष में 6.84% की वृद्धि हुई है? तो उन्होंने प्रस्तुत किया था बजट, वो किया था हमारा C1 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 17,123 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध व्यक्तित्व MS अनंत थारमन का निधन हो गया, तो वो प्रसिद्ध क्या थे? तो वो थे हमारे प्रसिद्ध वायलिन वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में अम्मा टू व्हीलर योजना का शुभारंभ किया है? तो अम्मा टू व्हीलर योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया है हमारा चेन्नई में। चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन को ध्वजांकित किया, तो कहां पर किया था? तो वो किया था हमारा सूरत में। सूरत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बायो एशिया 2018 के 15वें संस्करण का विषय क्या है? तो वो है हमारा बी, बी वन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि राइट टाइम राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल भारत संबंधों पर प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह यानी कि ईपीजी की 7वीं बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में संपन्न हुई है? तो वो हुई है हमारी काठमांडू में। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं अगर हिंट दे रखा होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि उदय ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक बाल आधार कार्ड पेश किया है, इस कार्ड का रंग आधार क्या है? तो इस कार्ड का जो रंग आधार है वो है हमारा नीला यानी कि ब्लू, ए वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट में वर्तमान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो वो है हमारे डी वन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हरसिमरत कौर बादल, हम हरसिमरत कौर बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम के राष्ट्रपति का नाम जो हाल ही में 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे, तो वियतनाम के राष्ट्रपति हैं ये, तो ये है हमारे सी वन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि त्रेन दाई कुंग, त्रेन दाई कुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्मेनियाई सांसदों ने अर्मेनिया के एक नए राष्ट्रपति के रूप में डैश को निर्वाचित किया है, तो नए राष्ट्रपति बने अर्मेनिया के, तो वो कौन है ये बताना है हमें, तो वो है हमारे आर्मेन सरकियन, आर्मेन सरकियन यानी कि डी वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वां सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट हाल ही में डैश में शुरू हो चुका है, तो कहां पर हुआ था ये टूर्नामेंट? तो ये हुआ था हमारा इपोह में, इपोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवान का क्या नाम है, जिन्होंने फर्स्ट स्वर्ण पदक जीता है? तो वो हमारे उन पहलवान का नाम बताना है, तो वो है हमारे नवजोत कौर, नवजोत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेनिया की राजधानी और मुद्रा बतानी है हमें, यानी कि करेंसी और उसकी कैपिटल बतानी है, तो आर्मेनिया के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी, सॉरी सी वन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि येरेवन राजधानी है और मुद्रा है आर्मेनियाई ड्राम, आर्मेनियाई ड्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉसर फेस्टिवल डैश का बौद्ध समुदाय उत्सव है, तो कहाँ का ये उत्सव है? तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री महिला कोष की योजना की घोषणा की है? तो किस राज्य ने किया ये? तो ये किया है हमारी मध्य प्रदेश, यानी कि डी वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 वर्षीय महिला का नाम बताइए जिसे हाल ही में इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस में पहली डायरेक्ट एंट्री कॉम्बैट ऑफिसर के रूप में शामिल किया गया है, तो वे कौन है? तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी वन इज द करेक्ट आंसर, प्रकृति, तो वो है हमारे प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में प्रतिष्ठित सुल्तान अजनहर हाल शाह हॉकी का खिताब जीता है, अजनहलन शाह हॉकी का खिताब जीता है किस प्रतिष्ठित सुल्तान ने? तो वो है हमारे ऑस्ट्रेलिया, तो ये हमारा और देश के अकॉर्डिंग बताना है यानी कि कंट्री के अकॉर्डिंग बताना है, तो ये खिताब हमारा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस विश्व स्तर डैश पर मनाया जाता है, तो कौन सी डेट को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारा 15 मार्च को, 15 मार्च इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में डैश में 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का
उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो वो किया है हमारा मणिपुर में। मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार माल और सेवा पर GST दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा कर दर के साथ सबसे जटिल कर में से एक है? तो कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ये बताना है हमें। तो ये है हमारा विश्व बैंक के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण गैर सरकारी संगठन समिति का चुनाव जीत लिया है? तो किस देश ने जीता है ये बताना है हमें। तो ये जीता है हमारा भारत ने। भारत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्केट जत्रा प्रसिद्ध ऐतिहासिक त्योहार है जो हाल ही में डैश में शुरू हुआ है। कौन से देश में शुरू हुआ है विस्केट जत्रा? तो ये हुआ है हमारा नेपाल में। नेपाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है, यानी कि MD बताना है। तो वो प्रबंध निदेशक है हमारे क्रिस्टीन लेगार्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने इस वर्ष भारत के लिए डैश और 2019 और 2020 के लिए डैश की वृद्धि पर अनुमानित की है। तो विश्व बैंक के अकॉर्डिंग बताना है। तो कितने प्रतिशत वृद्धि दर अनुमानित की है ये बताना है हमें। तो ये की है हमारी 7.3% और 7.5%, यानी कि B1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेमोफीलिया दिवस 2018 का विषय क्या था, यानी कि यहाँ पर भी थीम बताना है हमें। तो थीम थी हमारी विश्व हेमोफीलिया दिवस की, तो ये थीम थी हमारी शेयरिंग नॉलेज मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, यानी कि C1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में एकल स्वर्ण जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? तो उन महिला खिलाड़ी का नाम बताना है। तो वो है हमारे साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किन दो देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर थे? तो 5 दिवसीय यात्रा पर अभी भी हैं वो। तो वो है हमारा B1 इज द करेक्ट आंसर, स्वीडन एंड ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम डैश का राजधानी शहर है। तो कौन से शहर की राजधानी स्टॉकहोम है ये बतानी है हमें। तो ये है हमारा स्वीडन की। स्वीडन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत के लिए कुश्ती का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो कुश्ती का पहला स्वर्ण पदक जीता है हमारा राहुल अवारे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये कहां पर हुआ था ये बताना है हमें। तो ये हुआ है हमारा नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की मंत्रिमंडलीय बैठक का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया है ये बताना है हमें। तो ये किया है हमारा नई दिल्ली, यानी कि इंडिया, भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश शिवलिंगम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए 3रा स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है ये बताना है हमें। तो वो हमारा संबंधित है वो भारोत्तोलन से, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो टीटी टीम का नेतृत्व डैश ने किया था, तो किसने किया था? तो वो थी हमारे मणिका बत्रा ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमु
कचम संजीता चानू ने गोल्ड कोस्ट सिटी में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता है, तो वो किस खेल से संबंधित है ये बताना है हमें। तो वो संबंधित है हमारी भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में अपनी 3 दिवसीय यात्रा भारत यात्रा शुरू की है। तो 3 दिवसीय भारत यात्रा किसने शुरू की है, जो हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री भी हैं ये भी बताना है। तो वो है हमारे केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के 55वें संस्करण को पूरे भारत में डैश को मनाया गया, तो कौन सी डेट को मनाया गया था ये बताना है हमें। तो ये मनाया गया था हमारा 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल यानी कि D1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2018 के लिए विषय था, क्या थीम था, तो ये बताना है। तो उसका थीम था हमारा इंडियन शिपिंग एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि D1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्हाम अलीयव निम्नलिखित देश में से किसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो कौन से देश के राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयव, तो ये है हमारे आजरबाइजान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलग्रेड डैश की राजधानी है, बेलग्रेड किसकी राजधानी है, कौन से देश की राजधानी है ये बताना है। तो ये है हमारे सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा और संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डैश के बीच सहयोग व्यवस्था को मंजूरी दी है, तो भारत और कौन से देश के बीच में इस व्यवस्था को मंजूरी दी है ये बताना है। तो वो देश है हमारा अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उत्कल दिवस निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस है, तो वो है हमारा ओडिशा का उत्कल दिवस। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के सामने आज के वीडियो में आए हैं पार्ट 2 के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा हुआ कि थोड़ा सा डेट एक्सटेंड हो गई है हमारी यानी कि अगर जून में एग्जाम होता है तो जो रिमेनिंग हमारे अप्रैल के कुछ डेज बच गए हैं और मई, तो दोनों के मंथ्स के लिए मैं पार्ट 3 लेकर आ जाऊंगी आप लोगों के सामने, बट ये हमारा पॉसिबल हो पाएगा मई लास्ट में, तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों के सामने ऐसे ही मोटिवेशनल, मेरे मोटिवेशन के अकॉर्डिंग और आप लोगों की प्रिपरेशन